महाराष्ट्र में कहने को भाजपा अजीत सरकार है, लेकिन अगर 30 नवंबर को हो रहे प्रोटेस्ट में फडणवीस सरकार पास नहीं होती, कांग्रेस एनसीपी शिवसेना मिलकर क्या भाजपा को रोक पाएंगे? इन जैसे कुछ सवाल हैं जो महाराष्ट्र में शक्ति परीक्षण से पहले मुंबई खड़े हैं। बहुमत के जोड़ तोड़ से अलग सबसे अहम महाराष्ट्र विधानसभा के लिए अध्यक्ष का चुनाव है। वो इसीलिए कि विधानसभा अध्यक्ष ही विधायक दल के नेता का चुनाव करता है। मसलन महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे के बीच एनसीपी ने शनिवार को भले ही अजीत पवार को हटा दिया हो और उनकी जगह जयंत पाटिल को अपना विधायक दल नेता चुना हो, लेकिन अजीत पवार अब भी इस पद पर बने रहने का दावा कर अदालत जा सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उनके पास भाजपा की तरफ से नॉमिनेटेड सदस्य को अध्यक्ष बनाने लायक बहुमत मिलता है तो विधानसभा में संख्या बल उनके हिसाब से होगा। अगर विधानसभा अध्यक्ष भाजपा की तरफ से नॉमिनेटेड सदस्य होता है तो उसके शरद पवार की तरफ से अजीत पवार और उनके समर्थक विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग करने पर कोई भी फैसला लेने में देरी की संभावना है, लेकिन अगर इसके ठीक उलट यानी कि शिवसेना एनसीपी कांग्रेस का नॉमिनेटेड सदस्य अध्यक्ष बना तो फैसला शरद पवार के पक्ष में आ सकता है। 30 नवंबर को होने वाले बहुमत के दौरान अगर भाजपा फ्लोर टेस्ट में कामयाब नहीं होती तो शिवसेना एनसीपी कांग्रेस सरकार बनाने का दावा ज्यादा मजबूती से करेंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो काफी संभावना है कि इस गठबंधन को बहुमत भी मिल जाए। बहुमत साबित करने वाले दिन अगर शिवसेना एनसीपी कांग्रेस को भी बहुमत नहीं मिला तो महाराष्ट्र में फिर से राष्ट्रपति शासन लगाकर नए चुनाव घोषित होंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 सीटों की विधानसभा में एनसीपी ने 54 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उससे अलग हुए अजीत पवार को इन्हीं 54 में से 36 विधायकों को फ्लोर टेस्ट के दौरान अपने साथ भाजपा के समर्थन में पेश होना होगा, लेकिन तब तक इंतजार करने की जरूरत शायद ना ही पड़े, क्योंकि उससे पहले अध्यक्ष का चुनाव काफी चीजें साफ कर सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।